नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि गौतम बुद्ध स्वयं रोगियों की सेवा करते थे। गौतम बुद्ध का मानना है कि इंसानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसकी उसे सेवा करनी चाहिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर इंसान ही इंसान की सेवा नहीं करेगा तो उसके काम कौन आएगा। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। एक बार एक भिक्खू को दस्त लग गए थे। वह अपने ही मल मूत्र में पड़ा रहता था। गौतम बुद्ध ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तो उससे पूछा, हे भिक्खू, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उसने बताया कि मैं अब वृद्ध और कमजोर हो चुका हूँ। मैं किसी भी भिक्खू के काम का नहीं रहा, इसलिए कोई भी भिक्खू मेरी सेवा नहीं करता है। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि इस भिक्खू की सेवा मैं स्वयं करूँगा। और गौतम बुद्ध ने आनंद को आदेश दिया कि जाओ, जाकर पानी लेके आओ। आनंद पानी लेकर आ गया। आनंद और गौतम बुद्ध दोनों ने मिलकर उसे खूब मल मल कर धोया और उसके मल मूत्र को साफ किया। आनंद और गौतम बुद्ध दोनों ने मिलकर उस भिक्खू की खूब सेवा की। इसके बाद गौतम बुद्ध ने सभी भिक्खुओं को इकट्ठा किया और उनको उपदेश दिया कि यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे माता पिता नहीं है, इसीलिए तुम्हें आपस में एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। यदि आप किसी रोगी की सेवा करोगे तो वह मेरी सेवा मानी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दोषी माने जाओगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।